हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे राधिका कुकिंग पे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ हरे मटर की छोले, जिसे ज़्यादातर लोग भटूरे के साथ खाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे मैं बना रही हूँ इसे। गाइस, मैंने यहाँ लिया है 250 ग्राम मटर, जिसे रात भर के लिए मैंने भिगो दिया था। अभी मैंने इसे अच्छे से वॉश करके लिया है। इसमें मैंने डाला है 1 गिलास पानी। इसे मैं कुकर में ही बॉयल करूँगी। थोड़ा सा इसमें नमक डाल दें गाइस, और इस बात का ध्यान रखें कि आगे जब सब्ज़ी में आपको नमक डालना हो तो उसमें ज़्यादा ना डाल लें, इसको देखते हुए आपको डालना है। चलिए अब इसे मैं चढ़ा देती हूँ गैस पे, तब तक ये कुक होगा जब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ उधर का। देखिए गाइस, मैंने ये प्याज चॉपर से मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीस करके भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा बनता है। देखिए मेरा हो चुका है तैयार। अब मैं ले रही हूँ कुछ मसाले, जो बहुत ही आसान है बनाना। मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर लिया है 1 चम्मच, धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 चम्मच, जीरा पाउडर लिया है मैंने 1/2 चम्मच, मैंने यहाँ लिया नमक, अपने स्वाद अनुसार डालना होगा, मैंने लिया है 2 तेज़पत्ते और 2 लाल मिर्च, मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, जिससे कि गाइस बहुत अच्छा कलर आता है, ये तीखा नहीं होता है मिर्च। देखिए मेरा यहाँ कुकर में मेरा जो हरा मटर मैंने उबालने डाला था वो हो चुका है। अभी 80% कुक हो चुका है गाइस। अब इसे पूरा मैश नहीं करना, इसे 2-3 बार राउंड से मैश कर देना है, जिससे कि ये थोड़ा थिक हो जाए और इसकी ग्रेवी गाढ़ी तैयार हो। इसके लिए मैंने इसे मैशर से थोड़ा सा मैश कर लिया है। आप इसे इसी तरह से मैश कर लें। अगर आपके पास ये नहीं हो तो दाल घाटने वाला जो दलघटना होता है उससे भी आप कर सकते हैं, मैंने इसे किया है। अब मेरा हो चुका है कढ़ाई गरम। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है। मैं सरसों के तेल में ही खाना बनाती हूँ गाइस। आप अपने मन चाहे जिस भी ऑयल में बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च। अब मैं इसमें डालूँगी कद्दूकस किया हुआ अदरक। मैंने 1 इंची अदरक लिया था, जिसे कद्दूकस कर लिया है। अब इसे हल्का सा पकने दें। उसके बाद मैंने ये चॉप किया हुआ प्याज ले लिया है। अब इसे अच्छे से फ्राई करना है गाइस। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, जब आप प्याज फ्राई करने लगे तो कुछ मिनटों के बाद इसमें आप नमक डाल दें, जिससे कि ये प्याज गलने लग जाएगा। देखिए प्याज हल्का गल चुका है और फ्राई भी हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अब मैं वो सारे मसाले डाल दे रही हूँ जो मैंने लिया था। अब इसे अच्छे से मिला लें और थोड़ा सा इसमें पानी डाल लें, जिससे कि आपका ये मसाला जलेगा नहीं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है। इसे मीडियम आंच पे मैं फ्राई करूँगी 5 से 6 मिनट। अब इसे ढक के छोड़ दें मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए गाइस इसमें कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 1 चम्मच। इसमें मैं डाल रही हूँ क्रश करके थोड़ा सा कसूरी मेथी। आप यहाँ धनिया पत्ता का भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास धनिया पत्ता भी नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। आप सिर्फ कस्तूरी मेथी पे भी आप बना के देखना, बहुत अच्छा बनेगा गाइस। अब यहाँ मैं ले रही हूँ मटर। देखिए अभी कितना थिक हो चुका है और कुछ दाने भी दिख रहे हैं। इस तरह से आपको इसको अच्छे से मिला लेना है। अब कुछ मिनटों के लिए गाइस इसे अच्छे से पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे सब्ज़ी नहीं पकाया करें, पकती तो है बट उसका स्वाद में बहुत अंतर आ जाता है जब उसे हाई फ्लेम पे पकाते हैं। सब्जियां जल जाती हैं, पकती नहीं हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पे गाइस कुछ देर के लिए छोड़ दें।
देखिए मैंने छोड़ दिया था, सारे तेल ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब कि हमारा सब्जी बहुत अच्छे से कुक हो गया है। गाइज अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी, ये मैं देसी गाय का घी ली हूँ। आप यहाँ पे बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप यहाँ बटर का इस्तेमाल करोगे गाइज घी से भी अच्छा टेस्ट आएगा। इसे अच्छे से मिला लें, आपका सब्जी लमसम तैयार है। आप इसे छोले के साथ खाएं, कचौड़ी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा गाइज। अगले बार मैंने कुकर में बनाकर बताया था और इस बार मैं आपको कढ़ाई में बनाना बताई हूँ। आपको कैसा लगा मेरा रेसिपी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें गाइज। मैं आप लोगों के लिए यूं ही अच्छे अच्छे रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आप अपनी राय हमारे कमेंट में जाकर करें, आपको कैसा लगा मेरा रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इंजॉय कीजिए हमारी इस रेसिपी के साथ। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा बनाकर, आपको कैसा लगा ये रेसिपी वो मेरे से साझा ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। मिलती हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा बाय बाय।